हे लर्नर्स वेलकम टू माई चैनल क्रिएटर्स एंड लर्नर्स मेरे इस चैनल पर आपको एजुकेशनल वीडियोज़ मिलेंगे आपके अकैडमिक सब्जेक्ट्स के अबैकस के वैदिक मैथ्स के एंड जापनीज लैंग्वेज के वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ Hey my learners welcome back to my channel this is asta sharma and you're watching be english on us playlist of second semester dsc 6 18th century literature and we are on our last chapter yippee और इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक बुक रह जाएगी डी एस सी फाइव की जो मैं जल्दी जल से जल्दी दो दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और आपको वीडियोस मिल जाएंगी और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और थीम्स की तो चलिए आज का चैप्टर विकार द वेट फील शुरू करते हैं तो इस चैप्टर में हमें ये करेक्टर्स गिवन है तो चलिए पहले इनका डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं तो यहाँ पर पहला है चार्ल्ड्स प्रिमरोज और डेबोरा प्रिमरोज ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और यहाँ पर विकार मैं चार्ल्स प्रिमरोज को कहूँगी अब विकार क्या होता है विकार रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं ठीक नेक्स्ट आता है इनके छः बच्चे हैं जिसमें से जो स्टोरी है वो इन तीन बच्चों पे बेस्ड है तो यहाँ पर सबसे पहला है जॉर्ज जॉर्ज जो सबसे बड़ा बेटा है इनका और ओलिविया और सोफिया इनकी दो बेटियाँ अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे स्क्वायर थॉनहिल स्क्वायर थॉर्नहिल यहाँ पे विलन है और एक वुमेनाइजर है नेक्स्ट है सर विलियम थॉर्नहिल जहाँ जो मिस्टर ब्रशल भी हैं मिस्टर ब्रशल और सर विलियम थॉर्नहिल इनका जो कनेक्शन है वो आपको स्टोरी के अंदर पता चल जाएगा तो चलिए अब हमने इनके नाम देख लिए इनके डिस्क्रिप्शन देख लिए तो अब आगे बढ़ते हैं कि स्टोरी है क्या तो यहाँ पर स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि ये फैमिली जो प्रिमरोज फैमिली है इनको बहुत ज़्यादा वेल्थ इनके एक रिलेटिव के पास अवे होने की वजह से उनकी डेथ होने की वजह से इनको मिल जाती है और अब ये बन जाते हैं एक वेल्दी फैमिली वेल्दी फैमिली बनने के बाद जॉर्ज की शादी एक वेल्दी फैमिली में तय करी जाती है जिसमें लड़की का नाम होता है एराबेला यहाँ पर एराबेला और जॉर्ज की शादी तय कर दी जाती है पर जिस दिन शादी होती है उस दिन पता चलता है कि जो इन्होंने अपनी वेल्थ इन्वेस्ट करी थी और जिसके हाथों हैंड ओवर करी थी जिन कैन सन इन्होंने क्या किया भाग गए और ये लोग हो गए बैंक्रप्ट बैंक्रप्ट होने की वजह से जो एराबेला है उनके फादर ने जॉर्ज से इनकी शादी तोड़ दी अब ये क्या हो चुके थे वेल्दी फैमिली से पुअर फैमिली हो चुके थे अब इन्होंने क्या किया जॉर्ज को भेज दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्योंकि वहीं से वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो वहीं से उनको बोला आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करो और अच्छी खासी जॉब करो और अपने आप को वेल्दी रिच बनाओ अब ये लोग क्या हुआ बाकी के जो रिमेनिंग बच्चे थे और ये हस्बैंड एंड वाइफ इन लोगों ने अब अपना घर छोड़ कर सोचा कि अब हम चलते हैं किसी और जगह रहने किसी और कंट्री साइड में जाकर रहते हैं तो अब ये लोग इन्होंने एक घर रेंट पे लिया जिसके लैंड थे स्क्वाड थॉन हिल और यहाँ स्क्वाथॉर्न हिल के स, आ, होम में ये लोग रहा करते थे यहाँ पर इनको मिस्टर ब्रुशेल भी मिले तो यहाँ पर दोनों की करेक्ट्रिस्टिक ऐसी है कि जो स्क्वायर हैं ये स्क्वाथॉर्न हिल स्क्वाथॉर्न हिल एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं बहुत वेल्दी पर्सन है गुड लुकिंग एंड चार्मिंग हैं बट ये क्या है करेक्टरलेस हैं ये एक अच्छे इंसान नहीं है एक वुमेनाइजर है लड़कियों का एडवांटेज लेकर ये उनको छोड़ देते हैं उनसे मॉक वेडिंग करते हैं मतलब कि झूठी शादी करते हैं फिर उनका एडवांटेज ले उन्हें छोड़ देते हैं उसी साइड बिल्कुल अपोजिट है मिस्टर ब्रशैल मिस्टर ब्रशेल एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो कुछ अमीर भी नहीं है पर बहुत काइंड हम्बल एंड गुड नेचर के पर्सन हैं और सबकी हेल्प करना पसंद करते हैं तो इन दोनों का आना जाना इनके घर पे लगा रहता था क्यों क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर था वो वैसे भी एक वुमेनाइजर था तो वो ओलिविया से अट्रैक्टेड हो गया था और वो चाहता था ओलिविया का एडवांटेज लेना इसलिए वो उसको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस करता रहता था वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ब्रिशल और सोफिया एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो गए थे क्यों क्योंकि जब एक एक्सीडेंटली सोफिया पानी में गिर गई थी और डूबने वाली थी तब मिस्टर ब्रिशेल ने उनको आके बचाया था और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो गए थे अब यहाँ पर ये यह स्टोरी कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि विखर को मिस्टर ब्रिशल बिल्कुल नहीं पसंद क्यों क्योंकि वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे तो वो अपनी बेटी सोफिया को इससे दूर रखा करते थे और स्क्वाड uh, थॉनहिल के बारे में इनको पता था कि ये ऐसा पर्सन है तो ये भी अवॉइड करते थे चाहे वो कितना भी वेल्थी हो अब यहाँ हुआ क्या ओलिविया की शादी उन्होंने किसी फैमिली में तय करी पर हुआ ये शादी के दिन ओलिविया किसी के साथ भाग गई हर किसी को मिस्टर ब्रिशल पे शक हुआ क्योंकि स्क्वायर जो था ये स्क्वायर इतना चालाक इंसान था कि ये घर पे ही था अपने हम इतनी इतनी चालाकी से पूरी प्लानिंग करी थी कि ये घर पे ही मिला उनको तो फिर विखर को शक हुआ मिस्टर ब्रशेल पर क्योंकि वो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे स्क्वायर ही प्रेजेंट था तो इसलिए वो अपनी बेटी ओलिविया को ढूंढने निकल पड़े उन्होंने पाया इतने दिनों तक ढूंढते ढूंढते उनको ओलिविया मिली तब ओलिविया ने उनको पूरी कहानी बताई कि कि मेरे साथ क्या क्या हुआ तो ओलिविया ने अपने आप बताया कि मुझे ये स्क्वायर ले गया इसने मुझसे मॉक वेडिंग करी और मेरा एडवांटेज लेके मुझे छोड़ दिया मैं इतनी और गिल्ट और शेम में थी कि मैं इसलिए ही घर नहीं वापस आ पाई पर मिस्टर बिशल ने मुझे बहुत सेफ़ किया मुझे बचाया मुझे उस आदमी से बचाया और मुझे अब मैं यहाँ रहा करती थी पर मैं घर पे आने की हिम्मत नहीं कर पाई तो यहाँ पर क्या हुआ विखर ने जब ये सब बात सुनी तब उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अब वो ओले वो का अपने साथ घर ले जाएंगे पर अनफॉर्चुनेटली अब आप कह सकते हो कि जब किसी पे आफत आनी होती है तो भर के आफत आती है ठीक है तो अब इतनी सारी चीज़ें जब हो रही थी विखर की फैमिली में उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि अब वो वेल्थ ही नहीं रहे उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया और उनकी बदनामी भी बहुत ज़्यादा हुई अब उसके बाद उनका घर जलना ही बाकी रह गया था तो जहाँ वो रेंट पर रहा करते थे तो वो पूरा घर जल गया था बट शुक्र है कि पूरे मेंबर्स बच गए थे हर मेंबर को उन्होंने बचा लिया था पर अपने रिमेनिंग मनी और चीज़ों को बचा नहीं पाए वहीं फिर वो लैंड जो स्क्वायर है स्क्वायर हिल अब वो डिमांड करने लगा हमते अमाउंट की कि हाँ घर का रेंट दो ठीक लेकिन अब विखर इस पोजिशन में नहीं थे कि वो पूरा रेंट दे सकें तो वो नहीं दे पाए तो क्या किया स्क्वायर ने स्क्वायर ने उनको करवा दिया अरेस्ट जब उनको अरेस्ट करवाया तब पूरी फैमिली एकदम शौरों में थी एकदम सैडनेस में थी और उसके बाद कुछ टाइम में ही जॉर्ज भी वापस आ गया था जब जॉर्ज को ये सारी बातें पता चली तो उसने गुस्से में आकर चैलेंज कर दिया स्क्वायर को और स्क्वैर ने क्या किया उन्हें भी जेल में डाल दिया फिर कुछ दिनों में उनको पता चला कि ओलिविया की बहुत हालत ख़राब हो रही है और वो मर गई है पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो ओलिविया नहीं मरी थी ओलिविया बच गई थी और दूसरी उनको एक बैड न्यूज़ मिली कि सोफिया का किडनेप कर लिया है किसी ने और इस किडनेपिंग में कौन इन्वॉल्व है जेनकिन सन इन्वॉल्व है जो कौन था जिसकी वजह से बैंक हुए थे ये लोग जो भाग गया था इनका पैसा लेके तो इन सोफिया को भी किसने बचाया मिस्टर ब्रिशल ने अब मिस्टर ब्रिशल की जो अब मिस्टर ब्रिशल की जो काइंडनेस है वो विखर के नजरों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी बेटी सोफिया का हाथ किसके हाथों में दे दिया मिस्टर ब्रिशल के हाथों में और टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का ये कि जो मिस्टर ब्रिशैल है वो और कोई नहीं सर विलियम थॉर्न हिल है जो किसके अंकल हैं स्क्वायर थॉर्न हिल के अंकल हैं जो बहुत ही अमीर हैं अच्छी खासी वेल्दी पर्सनैलिटी हैं और अब ये क्या करेंगे सोफिया से शादी करेंगे और यहाँ पर क्या हुआ जब इनको पता चला जिनके इंसान भी उसी जेल में है जिस जेल में था तब इनका केस फिर से रीओपन हुआ और क्या हुआ इनकी वेल्थ इनको पूरी वापस मिल गई तो मतलब कि अब इनकी जो फैमिली है वो क्या हो गई दोबारा वेल्थी हो गई वेल्थी होने के बाद क्या हुआ अब जो जॉर्ज है उसकी शादी भी एरोबेला से हो गई अब यहाँ पर दो शादियाँ हुई एक एरोला और जॉर्ज की शादी और एक सर विलियम मतलब मिस्टर ब्रुशेल और सोफिया की शादी तो देखा आपने तो ये थी पूरी स्टोरी और इसमें देखे क्या हुआ इतनी पूरी आफत आई विखर पे और पूरा उस सिचुएशन से डील करना पड़ा फिर धीरे धीरे हर चीज़ सॉर्ट आउट होने लगी तो हर चीज़ स्टेबल हो गई एंड दे गॉट अ हैप्पी एंडिंग अब वो वेल्थी पर्सन थे और दोबारा एक वेल्थी पर्सन बन गए ठीक है वापस बैक टू नॉर्मल सो आई होप आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई होगी मैं इसमें कुछ तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ पहले तो ये कि मैन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन कि जॉर्ज को पढ़ने भेज दिया और ओलिविया और सोफिया को फोर्स किया गया शादी के लिए दूसरी चीज़ जब ओलिविया का एडवांटेज ले लिया था उसने और शादी भी झूठी थी तब बाद में पता चला कि जो शादी थी वो सच्ची थी तो इन दोनों को शादी के बंधन में बंधना पड़ेगा पर ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ओलिविया आप कैसे इस इंसान पर विश्वास कर ले जो इसका एडवांटेज लेकर से छोड़ दिया तीसरी चीज़ कि आपने स्टार्टिंग में नावल के सुना अभी स्टोरी के कि यहाँ पे दो दोनों की शादी थी जॉर्ज और एराबेला की वो इसलिए ही तय हुई थी क्योंकि दोनों वेल्दी फैमिली थी पर एक बैंक हो गई तो शादी वहीं की वहीं टूट गई तो ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई अब देखिए अब यहाँ पर क्या आता है शादी की और अब दो लोगों की पसंद होती है अब यहाँ पर क्या हुआ एक बैंक क्रप्ट हो गया तो दूसरे वाले ने उसको सपोर्ट नहीं किया उसको अंडरस्टैंड नहीं किया ये नहीं समझा कि वो कितने लॉयल एंड ट्रस्टेड है और अपना सारी वेल्थ वापस भी पा सकते हैं नहीं यहाँ पर उन्होंने सीधे शादी तोड़ दी तो यहाँ ये डिफरेंस और कंपेरिजन क्रिएट होता है तो आई होप आपको ये पूरी नॉवल एंड स्टोरी क्लियर हुई होगी ये था लास्ट चैप्टर डी एस सी सिक्स का और यहाँ पे अब प्ले लिस्ट में डी एस सी फोर एंड डी एस सी सिक्स दोनों कंप्लीट हो चुके हैं अब बची है डी एस सी फाइव डी एस सी फाइव भी स्टार्ट करेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स Then Macbeth and the last Rover. Share it with your friends and subscribe my channel for upcoming videos. Or please कुछ अच्छे-अच्छे comment भी कर दिया करो यार मुझे feedback दिया करो अच्छा सा थोड़ा appreciate होंगे मैं जल्दी-जल्दी videos जालूंगी you know that okay bye bye guys <laughs>